दोस्तों आज अपने किचन में चल रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मिठाई बनके तैयार है, मात्र 20 रुपये मिठाई दोस्तों। तो आज बनाने अपने किचन में चल रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में जरूर बताइएगा कि हमारा रेसिपी आप लोग को कैसा लगता है। तो चलिए मिठाई को बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत कम तेल दूध से, बिना घी के, बिना तेल के बनाएंगे मिठाई को दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मात्र 1 गिलास दूध से मिठाई बना के तैयार किए हैं दोस्तों। तो ये चलिए बनाना मिठाई स्टार्ट करते हैं। ये मिठाई आप लोग मार्केट में किनेंगे तो आप लोग को 30 रुपये का मिलेगा ये मिठाई जो है खाने के लिए। अब बहुत काफ़ी टेस्टी ये मिठाई बन के हमारा तैयार है। तो जो लोग खाएंगे ये मिठाई को तो बार बार सोचेंगे कि यही मिठाई खाने के लिए हमको मिल जाए। तो आज का वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। जितने माता दी भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। बगल में लाल घंटी उसको जगवाएं, जाके सबसे पहले रेसिपी आप लोग को हमारा मिले। तो दोस्तों जैसे देख रहे हैं कि आज अपने किचन में कुछ अलग तरीके से मिठाई बनाएंगे, घरेलू सामान दोस्तों बनाएंगे, घर के सामान से मिठाई हम बनाएंगे। मात्र 20 रुपये में मिठाई बनाकर आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो होली आ गया है दोस्तों, सभी लोग को घर में मिठाई बनाना की क्या बनाएंगे मिठाई। तो दोस्तों सभी लोग कुछ ना कुछ बना रहे हैं, गला भी दोस्तों बिल्कुल नहीं चल रहा है तबीयत खराब से। तो दवा लेकर अभी हम आए हैं, तो सोचे पहले कि नहीं कोई भी वीडियो बना दें, साची पापा नहीं चले जाएंगे दुकान पे। तो यहाँ भी आज बनाएंगे, हमारे पास देखिए मैदा बचा हुआ था इतना, 1 कटोरी, बड़े कटोरे से 1 कटोरी मैदा है, 1 कटोरी से कम चीनी है, यहाँ पे गढ़ी का मुरादा है, बिना गढ़ी के मुरादा के और मिल्क पाउडर के भी आप बना सकते हैं, दूध की मलाई ले सकते हैं आप। तो चलिए अब क्या करेंगे, बिना घी का बनाएंगे मिठाई को। सबसे पहले हम गैस को जलाएंगे। अब गैस पे रख लीजिए कढ़ाई को, कढ़ाइया को हम गर्म करके उसके बाद बिल्कुल मीडियम आंच पे मैदे को भूनेंगे पहले हल्का सा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये रेसिपी आप लोग को देखकर। अब इसमें हम डालेंगे आटे को, आटे को डालकर हम बिल्कुल गैस को मीडियम कर लेंगे यार, मीडियम गैस पे इसको बिना घी का भूनेंगे हम दोस्तों। ये मिठाई मार्केट से भी बहुत काफी टेस्टी लगता है, घर पे बना के एक बार आप लोग जरूर देखें। कुछ लोग दोस्तों सोचते हैं कि मिठाई कैसे बनाए दोस्तों, आप लोग गेहूं के आटे की बना सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों आज से संध्या के किचन में जैसे देखते हैं, नमक वाला भी मटरी बनेगा दोस्तों, फ्रार बनेगा, इस तरह से मिठाइयां दोस्तों जब तक खोली नहीं बीत जाएगा तब तक आप लोग को कुछ ना कुछ रेसिपी, नया रेसिपी मीठे वाला चीज हम बनाकर दिखाएंगे आप लोग को। तो मैदा को देखिए हम मीडियम आंच पे बिल्कुल भून रहे हैं, इतना भूनना है आपको, जाके जले मत, मैदा आपका काफी अच्छे से खुशबू आने लगे। देखिए हम भून रहे हैं इसको लगातार, हमको चलाकर भूनना है, 3 से 4 मिनट भूनना है, 3 से 4 मिनट इसको भूनेंगे, जब एक अच्छी सी खुशबू इसमें से आने लगेगा। 1 गिलास दूध से आप बहुत काफी टेस्टी मिठाई बना सकते हैं। देखिए कितनी काफी अच्छी हमारा भुना गया है यहाँ पे। तो अब मैदे को हम निकालेंगे, गैस को बिल्कुल देखिए मीडियम किए हैं, इसी मीडियम गैस पे आपको भुनना है, रखेंगे फिर इसमें डालेंगे हम 1 पाव दूध डालेंगे, 1 पाव दूध डाल के इसमें हम क्या करेंगे, चीनी डालेंगे। चीनी को डालकर उसको हमको कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी गलाना है इतना ही कि चीनी गल जाए हमारा। हम इलायची को क्या करेंगे, खलबट्टे में फूटेंगे अच्छे से। चीनी आप देखिए गल गया बिल्कुल अच्छे से, जब चीनी गल जाएगा तो यहीं पे हम डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डाल के इसमें हम गैस को मीडियम कर लेंगे बिल्कुल एकदम मीडियम। करने के बाद से यहीं पे डालेंगे हम घड़ी के मुरादे, यहीं पे डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर अभी नहीं डालेंगे, पहले हम इसको डालेंगे मैदा को। दूध की मलाई भी डाल सकते हैं 2 चम्मच, यहाँ पे 2 चम्मच हम मिल्क पाउडर लिए, मलाई हमारे पास नहीं था। अब यहीं पे देखिए इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, यहीं पे डालेंगे मिल्क पाउडर को, मिल्क पाउडर भी डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे इसमें हम। ये मिठाई जो है खाने में बहुत काफी टेस्टी लगता है, यहीं पे आप डालना चाहते हैं तो इसमें आप 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। यहीं पे आपके पास हो तो पिस्ता भी, काजू बादाम भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे ड्राई फ्रूट। इसी तरह बहुत काफी टेस्टी बन रहा है मिठाई,
बिल्कुल आपको जैसे देखते हैं मीडियम रखना है इस समय, नहीं तो नीचे से जलने लगेगा, तो मिठाई हमारा खाने में उतनी अच्छे कभी नहीं लगेगा टेस्टी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल गैस को मीडियम रखे हैं, मीडियम गैस पे इसको पका रहे हैं। तो यहाँ पे आप 2 चम्मच घी डाल के इसको मीडियम आंच में यहाँ पे 3 से 4 मिनट हम इसी तरह से इसको चलाएंगे, इसको पकाएंगे इसी तरह से। एक भी इसमें गुटकिया नहीं रहना चाहिए आपको, इतने अच्छे से मार इसको मिलाना है ताकि जो भी गुटकिया रहे इसमें अच्छे से मिल जाए, इतना आपको अच्छे से इसको पकाना है। कि करैया छोड़ना शुरू हो गया है तभी भी इसको हम अच्छे से देखिए मिला रहे हैं। ये इसका पहचान रहता है कि हमारा अच्छे से बर्फी चाहे हो चाहे कोई भी मिठाई हो पेड़ा हो, आपका ये जमने लायक बन के तैयार है, यही आपका पहचान रहेगा। तो आपको देखिए इसी तरह से हम इसको बिल्कुल चलाएंगे, चलाते हुए हमको देख रहे हैं 3 से 4 मिनट हो चुका है, अब मीडियम आंच पे बिल्कुल पका रहे हैं। देखिए नीचे से भी जला नहीं है, अब काफ़ी अच्छे से हमारा ये बन के तैयार हो गया है। तो अब चलिए इसको एक थाली निकालेंगे ठंडे होने के लिए, कोई भी चीज़ से बना सकते हैं। तो इसमें देखिए हम हल्का सा तेल लगाएंगे घी, तो घी लगाने के बाद से इसको हम हाथ में इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से इसको करेंगे, इस मिठाई को इस तरह से आप दबा देना है। आप इस मिठाई को बर्फी भी सेप बना सकते हैं, जैसे आपको इस मिठाई बनाना हो उस तरह से सेप मिठाई को आप दे सकते हैं। फिर इस मिठाई को हम इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से इसको रखते जाएंगे। तो देखिए कितने काफ़ी अच्छा बन के तैयार हो रहा है हमारा मिठाई जो है। तो हल्का सा बस घी लगाना है आपको, इस तरह से करना है, करने के बाद तुरंत इसमें डालना है, डालने के बाद से हाथ से इसको अच्छे से चिकने कर देना है, फिर इसको निकालना है इस तरह से। तो देखिए कितनी काफ़ी अच्छी मिठाई बन रहा है, देखने में भी लग रहा है और खाने में बहुत काफ़ी टेस्टी मिठाई बना है हमारा। तो इस तरह से हम इसको करते जा रहे हैं। तो सारे मिठाई हम इसी से बना ले रहे हैं, आप इसको पेड़ा से भी दे सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सेब जो दे रहे हैं कुछ अलग तरीके से हमारा सेब हो रहा है, ऐसे देखिए बहुत आसान तरीके से उगल भी जा रहा है। एक साइज के हमारा सभी मिठाइयाँ बन रहा है, तो सभी मिठाइयों को बना के फिर हम आप लोग से मिलते हैं। मिठाई जो है बन के हमारा तैयार हो चुका है, अब मिठाई को हम कुछ सजा दे रहे हैं, चांदी पन्नी लगा दे रहे हैं, इससे चांदी पन्नी तो लगाना जरूरी है। अब इधर देखिए इसको हम पन्नी लगा दिए हैं, तो पन्नी लगाने से मिठाई जो रहता है कि हमारा बिल्कुल मार्केट जैसे लगता है, खाने में मिठाई जो है बहुत काफ़ी टेस्टी बना है। तो कोई दोस्तों यकीन नहीं मानेगा कि घर पे मिठाई बनाए मात्र 20 रुपये कैसे बना सकते हैं आप मिठाई को। देखिए सभी पे हम पन्नी को लगा दे रहे हैं, और देखिए कितने काफ़ी अच्छे सुंदर लग रहा है देखने में हमारे जो है। तो इस तरह से देखिए हम सटा दिए हैं पन्नी को, तो सभी मिठाई पे इस तरह से हम सटा दे रहे हैं। तो कुछ लोगों का कमेंट आता है पन्नी कहाँ पे चांदी वाला मिलता है मिठाई सटाने वाला, किराना की दुकान पे आसान तरीके से आप बोलिएगा चांदी पन्नी जो होता है मिठाई सटाने वाला तो मिल जाता है। तो देखिए सभी मिठाई पे हम सटा लिए हैं, तो आपके घर में बर्थडे हो चाहे कोई भी पार्टी रहता है तो आप इस तरह से बनाइए, जरूर से बनाइए आप लोग। अब इसी में हम क्या करेंगे, टूटी फूटी यहाँ पे सजा दे रहे हैं, आप यहाँ पे पिस्ता से भी सजा सकते हैं, बाकी हमारे पास पिस्ता नहीं है, हम टूटी फूटी से इस तरह से सजा देंगे। देखिए कितने काफ़ी अच्छे लग रहा है सजाने के बाद से, तो सभी मिठाई को इस तरह से हम सजा देंगे। तो ऐसा लगता है कमेंट में जरूर बताया करिए आप लोग, तभी हमको मालूम चलता है कि आप लोग को हमारी रेसिपी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सजा दिए हैं, साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।